ये केवल अपने विधायक और अपने मंत्रियों को ही उपकृत करने में लगे हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा, घोषित रूप से कमलनाथ जी हैं, लेकिन बाकी के दो और बड़े नेता वो भी इस प्रयास में हैं कि कमलनाथ जी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री ना रहे। कमलनाथ जी इस प्रयास में हैं कि किसी तरह से मैं मुख्यमंत्री के रूप में बना रहूं, और इसी प्रयास के इर्द गिर्द ये पूरी सरकार घूम रही है। और जहाँ तक आरोप का सवाल है तो हम तो घोषित रूप से जो उनके जनता विरोधी निर्णय हैं उनके बारे में कहते आए हैं। हमने प्रारंभ से कहा है कि सरकार ने केवल एक ही उद्योग स्थापित किया है, वो तबादला उद्योग। उसके अलावा प्रदेश में विकास के कोई कार्य सरकार के किए हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन अब तो कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक खुद ही जब कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी को असहायता से के स्वरूप से बाहर निकलना चाहिए और या तो इस्तीफा देकर कांग्रेस के नेतृत्व से वो कहें कि वो जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहें उसको मुख्यमंत्री बनाएं, या फिर पूरी ताकत के साथ जनता के हितों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, कमलनाथ जी ये कभी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन वो ऐसा करेंगे उस दिन उनके ही पार्टी के बाकी के लोग उनकी सरकार को टिकने नहीं देंगे। आप लगातार उस अंतर कलह का जिक्र करते आए थे जिससे सरकार गिर सकती है, तो क्या अंतर कलह अपने मुकाम पर पहुंच गया? हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि सरकार हम नहीं गिराएंगे, हम सरकार गिराने भी नहीं जा रहे। लेकिन उनके भीतर की जिस अंतर कलह की हम बात करते थे वो अंतर कलह सामने है। अब उसके बाद छिपाने के लिए कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं बचा है। उनके तमाम मंत्री विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार चला कौन रहा है। और इसलिए इस बात का जवाब कमलनाथ जी को देना चाहिए। लेकिन इतने असहाय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में इसके पहले मुझे स्मरण में नहीं आता कि मध्य प्रदेश की जनता ने कभी देखा।